नमस्कार पाइसिस, पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ट्रिपल एस इंडिटर पर। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो ये आप पर रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये 10 जून से 17 जून के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है जो नो कॉन्टैक्ट में है, या जिनका सेपरेशन चला हुआ है, या ब्रेकअप चला हुआ है, या किसी भी तरह से उनकी आपस में बातें नहीं हो रही हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। तो देखते हैं कि जो जिनका नो कॉन्टैक्ट है या ब्रेकअप चला हुआ है, तो उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। तो उनके पर्सन, और इसमें आगे देखेंगे कि वो पहले हम देखेंगे कि उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, फिर देखेंगे कि वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी उनके प्रति अपने पर्सन जो पाइसिस के पर्सन हैं उनकी पाइसिस के लोगों के लिए क्या फीलिंग है। एट ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ वांड्स एंड फाइव ऑफ वांड्स। पाइसिस जो आपके पर्सन हैं वो उनको लगता है, वो महसूस कर रहे हैं कि अब जो इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, वाद विवाद हो रहा है, नो कॉन्टैक्ट जैसी सिचुएशन बनी हुई है और सेपरेशन हुआ है, तो इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को, इस झगड़े को, जो ये कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहे हैं, जो ड्रामा चल रहा है, जो डिप्रेशन जैसी बातें चल रही हैं, उन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। तो वो उन चीज़ों को ख़त्म करके आपसे बातें करने के बारे में सोच रहे हैं, वो आपसे बातें करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, या मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू आपके साथ वो रिलेशन बनाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये रिश्ता आगे बढ़ जाता है, कम्युनिकेशन होता है, सही से बातें होती हैं, तो इसमें आगे जाकर वो इसमें जो है इस रिश्ते को शादी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्योंकि इस रिश्ते में उनको लग रहा है कि अगर ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो जाता है, आपस में मेल जोल बढ़ता है, आपसी बातें हो जाती हैं, तो इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है कि ये रिश्ता आगे जा सकता है। तो इसमें कमिटमेंट वगैरह भी करने के बारे में वो सोच रहे हैं कि जब ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद झगड़ा, ये कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, ये सिचुएशन ठीक हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, इन चीज़ों से, इन परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है, तो वो इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं और आपस में एक मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं, इसमें कम्युनिकेशन चाहते हैं, आमने सामने बातें करना चाहते हैं, और वो इसमें आगे जाकर इस रिश्ते को शादी में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, या इसमें बातें करना चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह भी चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह करने के बारे में भी वो सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर आपस में बातें कर ली जाती हैं तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं, जो पाइसिस के पर्सन हैं वो पाइसिस से क्या चाहते हैं, पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसिस अपने पर्सन से चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले उन्हें इस काम के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा वो अपना जो उनका पैशन है उसे फॉलो करें, जुनून है जो फॉलो करें, लेकिन वो सबसे पहले अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दें, वो रुके, ठहरे, सोचे समझे और आगे कदम बढ़ाएं, और जो इस रिश्ते में अब भी माइंड गेम चल रही है, मैनिपुलेशन हो रही है, वो बहुत जल्दी से इस रिश्ते में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस रिश्ते में अभी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, उनकी ईगो हर्ट हो रही है, तो इसलिए वो अभी इसमें अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देने के बारे में ध्यान देना चाहते हैं। और उनको लगता है कि जो ये समय उनका अच्छा आ रहा है, जो पीरियड अच्छा आ रहा है, उसको इस माइंड गेम को, मैनिपुलेशन को ख़त्म करके उनको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो
अपने ईगो को नहीं छोड़ेंगे, माइंड के मैनिपुलेशन करते रहे तो भले ही उनकी ईगो चाहे जीत जाएगी लेकिन वो इंसान हार जाएंगे। तो इसलिए उन चीज़ों से उन्हें बाहर निकलना चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव बनाना चाहिए और जो समय उनका अच्छा आ रहा है उसको अच्छे समय को अच्छे अच्छे कामों में यूटिलाइज करना चाहिए। वो इन चीज़ों को गलत कामों में यूज ना करें, किसी के साथ कोई माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेशन ना करें, हेरा फेरी ना करें, धोखाधड़ी ना करें, कोई चालबाजी ना करें। वो लॉयल रहें, इनोसेंट रहें, ईमानदार रहें और इन चीज़ों को पॉजिटिव बनाएं, इसको अच्छे समय को अच्छी अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज करें, अच्छा रिश्ता बनाने में यूटिलाइज करें। अगर उन्होंने कुछ, वो एक दूसरे से को माफ़ करें और माफ़ी मांग लें। अगर सामने वाला माफ़ नहीं भी करता तो अपने मन से उसे माफ़ करके लाइफ में आगे बढ़ें और अपने कर्मास ज़रूर सुधार लें। अगर उन्होंने कोई भी गलत काम किया है, मैं ये नहीं कहती कि आपने गलत काम किया है, लेकिन अगर कोई गलत काम किया है तो उन कामों को छोड़कर अपने कर्मास आप सुधार लें ताकि आगे जाकर आपको गलतियों का सामना ना करना पड़े। तो अगर जैसे आप कर्म करेंगे, जैसा आप बीज बोएंगे वैसा उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। इसलिए अपने कर्मास सुधारें, अच्छे अच्छे कामों में इसको यूटिलाइज करें। समय रहते जो भी आप अच्छा काम करेंगे आपके हक में होगा, क्योंकि अभी के लिए जो समय आपका आ रहा है वो अच्छा चल रहा है। कम से कम कह सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड मैंने दिया हुआ है 10 जून से आगे 1 महीने तक का आपका समय इसमें अच्छा चल सकता है। तो इसको अच्छे अच्छे समय में आप यूज़ कर सकते हैं और जो 10 जून से 17 जून का टाइम है उसमें आपका अच्छा पीरियड शुरू हो सकता है, अच्छे दिन आ सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं। तो आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, पाइसिस के पर्सन पाइसिस के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, चलिए देखते हैं। 9 of Pentacles, 7 of Wands एंड द Devil। तो इसमें जो पाइसिस के पर्सन है वो चाहते हैं, वो एक्शन तो चाहते हैं क्योंकि इस रिश्ते में लेकिन उन्हें लगता है कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी एडिक्शन है, इस रिश्ते को कंट्रोल किया हुआ है, पींदा हुआ है, इस रिश्ते में परेशानियां ही परेशानियां बनी हैं। जब से ये रिश्ता बना है नेगेटिव फेज से गुजर रहा है, कोई भी पॉजिटिव चीज़ें नहीं हो रही। तो वो चाहते हैं कि जो उनमें एडिक्शन है तो वो उन एडिक्शन को ख़त्म करें, जो चाहे वो गैम्बलिंग की हैं, चाहे वो स्मोकिंग की हैं, ड्रिंकिंग की हैं, प्लेइंग कार्ड्स की हैं, या नेगेटिव लोगों में बैठने की हैं, या नेगेटिव लोगों से बातें करने की हैं, जो भी इस रिश्ते को ख़राब कर रही है, बाधाएं दे रही हैं, परेशानियां दे रही हैं, वो उन चीज़ों से रिलैक्स करें, उन चीज़ों से बाहर निकले, रिश्ते को पॉजिटिव बनाएं, खुशियों भरा बनाए, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा करें, घर को साफ़ सुथरा करें। और अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो तभी उन्हें इस रिश्ते में अडिग रहना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, इस रिश्ते में गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर वो रुके रहे, खड़े रहे, गिव अप नहीं करते और अपनी एडिक्शन को ख़त्म कर लेते हैं तो ये रिश्ता पहले की तरह आगे बढ़ सकता है, इसमें खुशियां देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि चाहे इसके लिए उन्हें रूड बनना पड़े, कठोर बनना पड़े, अपने लिए या अपनों के लिए, चाहे थोड़ा सा अपनों के ही खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, लेकिन अगर आप स्टैंड लेंगे, रुके रहेंगे, ठहरे रहेंगे तो आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी महसूस कर सकते हैं। और उससे पहले आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने लाइफ, अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना दुनिया, अपने लोग, अपने पर्सनैलिटी, अपना लुक्स, अपनी ब्यूटी, फ्रीडम और आज़ादी के साथ आप अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाएं, एक स्टेबिलिटी लाएं। जब आप अपने आप में बैलेंस ले आते हैं, एक स्टेबिलिटी ले आते हैं, तभी आपको इस रिश्ते में रुकने की ज़रूरत है, एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है, आगे खड़े होने की ज़रूरत है, या जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो लोग आपको खुद फॉलो करेंगे। लेकिन ये एडिक्शंस, ये जो बाधाएं इस रिश्ते में आ रही हैं, जो इस रिश्ते को ख़राब कर रही है, उन चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है और अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वो इन चीज़ों को ख़त्म करने के बारे में शायद सोच रहे हैं और अपने पैरों पर
अपनी जिम्मेदारियों को वो लेना चाहते हैं और इस रिश्ते में स्टैंड चाहते हैं। तो देखते हैं कि इसकी गाइडेंस क्या रहेगी, पाइसिस के लिए इसकी गाइडेंस क्या रहने वाली है। फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंग्ड वन। तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि आपके पास आप स्टक ना रहें, आप स्टक ना रहें, रुके ना रहें, थमे ना रहें। आप एक अपने आप में एक ब्रेक लें और अपने आप को मेडिटेट करें, हीलिंग करें और स्पिरिचुअल ग्रो करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो तभी ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। और अपनी जबान पर कंट्रोल करें, बिना सोचे समझे कुछ भी ना बोलें, कड़वा ना बोलें, ताकि क्योंकि अगर जब आप कड़वा बोलते हैं, मुँह फट होते हैं, तो सामने वाले को परेशानियाँ होती हैं, दुख तकलीफ होते हैं होती है, भले ही आपकी एनर्जी आप भले ही छोटे हैं एज में, लेकिन फिर भी या कह सकते हैं कि जो आपकी एनर्जी है वो बच्चे जैसी है, लेकिन फिर भी आपको सोच समझकर आगे बोलना चाहिए, मिठास के साथ शांतिपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप मिठास के साथ शांति से आगे बढ़ते हैं और पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके, जो पुरानी चीज़ें इस रिश्ते में बाधाएं दे रही थी, आप स्टक एनर्जी से बाहर निकल जाते हैं, आपको उस पर अटकना चाहिए जो चीज़ें आपकी लाइफ से जा चुकी हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो गई है, जो वापस नहीं आ जाती, उन चीज़ों को उनके लिए आप स्टक ना होइए। आपके पास और भी ऑप्शन है, उसके साथ आप आगे बढ़िए और अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करिए। अगर आपको ठीक लगती है तो आगे बढ़िए, अदरवाइज आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको इस स्टक एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, लोगों के साथ मीठा बोलना पड़ेगा, और जो आप कन्फ्यूज्ड हो चुके हैं, जो आप थम चुके हैं, रुक चुके हैं, तो उस एनर्जी को से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। जब आप इस एनर्जी से बाहर आएंगे तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अभी के लिए आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, मेडिटेशन करिए, हीलिंग करिए, प्रेयर कीजिए और अपने वाणी पर कंट्रोल कीजिए। जब इन बाधाओं से आप बाहर निकल जाते हैं तभी आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोचिएगा। अभी के लिए आप जल्दबाजी मत कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।